बाहर से विमान द्वारा रांची आने वाले हर यात्री को अब आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तीसरे वेव की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन रांची आने वालों पर निगरानी सख्त कर चुका है। कल सुबह से लेकर रात 10 बजे तक एयरपोर्ट बंद होने तक जांच कर्मी एयरपोर्ट पर तैनात और अलर्ट रहेंगे। पूरी व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर ने। संभावना व्यक्त की गई है, तब से लेकर विमान यात्रियों और रेल से आने वाले बाहर के यात्रियों के लिए अब आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूरी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर क्या इंतज़ाम हैं, जितने भी फ्लाइट से पैसेंजर्स आ रहे हैं उन सब का टेस्ट हो रहा है और टेस्ट कंपलसरी है। बिना टेस्ट के कोई भी पैसेंजर अब बिना उसका रिपोर्ट जाने हुए पैसेंजर अब इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकेगा। और ये लोग जो आ रहे हैं ये मुंबई से आने वाले पैसेंजर हैं, जाहिर है कोविड प्रोन स्टेट माना जाता है मुंबई, इसीलिए विशेष सतर्कता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना का वेग कम हुआ है वैसे वैसे फ्लाइट्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब 13-14 फ्लाइट्स दिन में आने जाने लगी हैं। आप देख सकते हैं लोगों को थोड़ा सा अचरज होता है, कोई नई चीज़ जब की जाती है रोज़ बहस हो रही है, लेकिन आपको मैं दिखाऊं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंतज़ाम किए गए हैं। बाकायदा अलग अलग ट्रैक बनाया गया है, जैसे पैसेंजर ज़्यादा हुए तो अलग अलग ट्रैक्स पे उन्हें डाला जाएगा और वहाँ पर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट होता है और टेस्ट निगेटिव है तो उन्हें शहर के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। कराना चाहिए सबको कराना चाहिए। क्या वहाँ से भी चलक करा के आए हैं? हाँ। क्या कितना मिनट लगा आपको? आधा सेकंड, लेकिन मैं कल करा के आई हूँ क्योंकि मेरे टिकट में मैंडेटरी लिखा था। स्टिल कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हार्डली वहाँ से भी करा के आए। अभी बाहर से फ्लाइट से जो भी आ रहा है सबका टेस्ट करना है, रैट एंटीजन टेस्ट। तो उसको हम लोग साइड में करते हैं सर, तो फिर जहां से हम लोग सदर अस्पताल में इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर वहां से फिर वो इंतजाम कर देते हैं। करिए ऑन कीजिए, ये देखिए टेस्ट करा रहे हैं लोग और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक लंबी लाइन लगी हुई है और अब जिला प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो फुल प्रूफ इंतजाम हैं। आपको टेस्ट कराना ही होगा, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप बिना टेस्ट कराए बिना रिपोर्ट लिए और अगर आप पॉजिटिव हुए तो आपको यहीं से सदर अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा।